नमस्कार। आज मैं बनाऊंगी चिली एग करी। चिली एग करी के लिए मैंने यहाँ पे अंडे को उबाल के छील के फिर काट के रखा है हाफ ऑफ करके। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, पानी है, एक टमाटर काट के रखा है, एक शिमला मिर्च, थोड़ा सा प्याज काट के रखा है, दो हरी मिर्च ऐसे काट के रखा है। यहाँ पे अदरक लहसुन की पेस्ट, थोड़ा सा टोमेटो सॉस, सोया सॉस 1 स्पून, थोड़ा सा कश्मीरी देगी मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। तेल यहाँ पे है, गैस को ऑन कर देती हूँ। तेल डाल देती हूँ मैं। तेल को गर्म होने देती हूँ। यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लावर को थोड़ा सा घोल लेती हूँ अंडे को फ्राई करने के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा ये कश्मीरी देगी मिर्च भी मिक्स कर दिया है। ये सिर्फ कलर के लिए, कलर अच्छा हो जाएगा। अब मैं इनको ऐसे कॉर्नफ्लावर में डीप करके एग्स को फ्राई कर लूंगी। ये फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं उठा देती हूँ। अब मैं ये सारे फ्राई कर लेती हूँ एग्स को। एग सारे फ्राई करके उठा ली मैंने। अब मैं करी बना लेती हूँ। इसके लिए पहले मैं ये अदरक लहसुन की पेस्ट रखा था वो मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको भून लेती हूँ। मैंने ये एग फ्राई करते समय कोई कलर नहीं डाला। आप चाहो तो आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हो। अब मैं इसमें डालूंगी ये टमाटर। अब डालूंगी ये सोया सॉस। अब डालूंगी टमाटर, टमाटर सॉस। अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं प्याज। और डालूंगी शिमला मिर्च। अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें जो डालूंगी वो है कश्मीरी देगी मिर्च। ये आप अपने हिसाब से डालना, ज्यादा कम
और नमक, नमक भी स्वाद अनुसार डालना है। अब इनको थोड़ी देर सिम पे ही होने दूंगी। थोड़ा सा शिमला मिर्च और प्याज थोड़ा सा पक जाए उसके बाद करूँगी। गैस मेरी सिम पे ही है, अभी ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब ये तेल निकला है, अब मैं क्या करूँगी, ये जो कॉर्नफ्लावर मैंने बोला था अंडे को फ्राई करने के लिए, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा सा और पानी डालूँगी इसमें। मैं अंडे को, एग्स को यहाँ पे दे रही हूँ। 2 मिनट के लिए अभी हरी मिर्च जो काट के रखा था ये भी ऊपर से डाल दिया। अब 2 मिनट के लिए मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूंगी। दो मिनट हो चुके हैं, गैस को मैं बंद कर रही हूँ। ये हमारा तैयार है एग चिली करी। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। लीजिए तैयार हो गए आपके एक चिली करी। देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है। और इसको एक बार ट्राई करना, ट्राई करके अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।